हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। अप्रैल के महीने में गर्मी ने तापमान के कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 44 डिग्री के पार कर लिया है। जहां एक तरफ लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है, ऐसे में जानवरों को गर्मी और लू से बचाने के लिए लखनऊ के जू में कई खास उपाय किए गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अप्रैल का महीना, मई जून वाली भीषण गर्मी, पसीने से भीगे इंसान और जानवरों का हाल भी बेहाल। इंसानों के पास कूलर, एसी और पंखे का साधन, पर पालतू जानवर जहां पानी मिलता वहां अपना शरीर डुबाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते दिखते हैं। ये नजारा राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर का है, जहां पिंजरे में जानवर आसमान में चिलचिलाती धूप, शरीर को जला देने वाली गर्मी में पर्यटक छाता और स्कार्फ लेकर इन जानवरों की शरारतें देखने पहुंचते हैं। लेकिन तपती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से ये जानवर पानी और पेड़ों के साए में आजकल गर्मी से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए जू प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ प्राणी उद्यान में जानवरों के लिए पंखे, कूलर और घास के पर्दे लगाए गए हैं। चूंकि दिन में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसे देखते हुए जानवरों को हीट वेव से बचाने के लिए पानी के फुहारे, स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं। वहीं बड़े जानवरों के लिए अस्थाई छप्पर के भी इंतजाम किए गए हैं। वहीं इसराइल से आया ये जिराफ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और दर्शकों में इसे देखने की अलग ललक देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि इस बार आप देखें कि बहुत जल्दी और बहुत भयंकर गर्मी आ गई है। मार्च से गर्मी आ गई है, तो हम लोगों ने तैयारी तब से ही स्टार्ट कर दी है और अब ऑलमोस्ट लग गए हैं हमारे। इसमें ज्यादातर क्या व्यवस्था की जाती है, चटाई होती है, खस की चटाई होती है, देन खस की चटाई, माइक्रोफॉगर, कूलर, स्प्रिंकलर ये लगाए जाते हैं, पॉन्ड है उनको पानी से भरा जाता है। ये सभी बाड़ में जहां जहां सीजेडे की गाइडलाइंस होती है उसके अनुसार हम लोग उसको लगाते हैं। जू में जितने जानवर उतनी वैरायटी, जिसको देखते हुए चिड़ियाघर में सभी मांसाहारी और शाकाहारी जानवर और पक्षियों का खाना भी उसी तरह दिखाया जा रहा है। इसमें मांसाहारी जानवरों के लिए मांस की मात्रा में कमी और कम प्रोटीन वाली डाइट दी जा रही है, जबकि पक्षियों के खाने में कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया गया है। वहीं शाकाहारी जानवरों के खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को शामिल किया गया है। गर्मी के अंदर जहाँ मैंने इतने तो देखा है कि आपस के अंदर इनका भिड़ना गर्मी की वजह से नहीं होता है, ये इनका कुछ स्वभाव होता है, जैसे हिरन का लड़ने का स्वभाव होता है, तो वो आपस में लड़ते हैं, वो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो वो लड़ते हैं, फिर अपने आप हट जाते हैं। और उनको इसीलिए हमने जो है अपने उनकी व्यवस्थाएँ कर, शेड, हिरन का शेड बना हुआ है तो, और स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, तो वो उसका पूरा वातावरण वहाँ ठंडा रहता है, तो वो उनको काफ़ी आरामदायक होता है। और गर्मी से बचाने के लिए कई बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी, तो उनके पानी में हम दवाइयां कुछ डाल देते हैं जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, और अगर हो तो उससे उसकी पूर्ति हो जाए। जबकि प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सक के मुताबिक बढ़ती गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए पशुओं की डाइट में ठंडे फल और तरल पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के में मौजूद तमाम जीव जंतुओं को देखने के बाद ये निकल के आ रहा है कि उनकी हालत कहीं ना कहीं गर्मी से परेशान है, जिससे वो अपने बेरों में ही अगर देखें तो वो जो ठंडे जगह है वहां जाके अपना डेरा जमाए हुए, चाहे बात की जाए तो जो पेड़ लगाए गए हैं वो अपने बेरे से हटकर और पेड़ों के सहारे जो छांव है वहां जाके अपना
डेरा जमाए हुए। इसी क्रम में मेरे ठीक दाहिने साइड में आप देख रहे हैं कि ये इजरायली जिराफ है जिनको इजराइल से लाया गया है यहाँ इंपोर्ट करके, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो पूरे नवाब वाजिद अली शाह पहाड़ी उद्यान में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसी क्रम में कल से ये दर्शकों के लिए खोला गया है। और अगर बात करें गर्मी से पशुओं की हालत पे, तो इससे संबंधित चिकित्सक जो उनके इलाज करते हैं उनसे बातचीत के दौरान ये निकल के आया है कि पशुओं को खान पान में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पशुओं को हो रही जिसके लिए उनको इलाज किया जा रहा है। साथ ही नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के डायरेक्टर की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पशु पक्षी एवं जो भी जीव जंतु है उनकी देखरेख का हर एक प्रयास किया जा रहा है। छोटे पक्षियों की पक्षी की बात की जाए या छोटे जानवरों की, तो उनके बेड़ों में पंखे लगाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए बड़े जानवरों की, तो उनके भी बेड़ों में कूलर और तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही साथ स्प्रिंकलर के माध्यम से उनके ऊपर पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ व्यांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वह चिलचिलाती धूप और गर्मी के चलते जानवर भी खासा परेशान है। हालांकि लखनऊ के चिड़ियाघर में इन जानवरों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।